सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को कि खबरों के लिए बने रहें। और एक नौजवान को कांग्रेस पार्टी ने इतने बड़े इतने महत्वपूर्ण, ये राजधानी है जयपुर, यहां पर नौजवान को आपका उम्मीदवार बनाया है। और मैं अनिल जी भी देख रहा, जो टीम है यहां पर हमारे प्रशांत जी, मनीष यादव जी, हमारे ये पूनिया साहब, निर्मल जी, इतनी बढ़िया टीम है। मुझे तो पार्टी ने जिम्मेदारी दे रखी छत्तीसगढ़ की, ये तो मेरा मन ललचा रहा था। मैंने कहा ग्रामीण से मैं ही चुनाव लड़ लेता तेरी जगह, जब मैं यहाँ से एमपी था तो टीम इतनी नौजवान नहीं थी। लेकिन आज आप लोगों ने जिस प्रकार से रिकॉर्ड बनाया है, और मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ, शाहपुरा से हमारे नौजवान विधायक मनीष यादव जी, सबसे बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी की हुई तो शाहपुरा से हुई, मनीष जी की हुई है। और अभिमन्यु पूनिया जी हनुमानगढ़ से विधायक बनकर आए हैं, इनका मामला कमजोर पड़ गया था बीच में, फिर टिकट दिया पार्टी ने तो 42,000 वोट जीत कर आए। तो नौजवानों को हमेशा से जनता ने, पार्टी ने हमेशा मदद दी और ताकत दी है। और इसी संदर्भ में आज आपके बीच में आया हूं। ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, किसान बाहुल्य है। मेरा आप लोगों से निवेदन है, ये चुनाव गंभीरता से लें। इस चुनाव में 36 बिरादरी के लोग मिलकर एकजुटता का प्रदर्शन करें। देश में जो हालात बन गए हैं उस पर रोक लगानी बहुत जरूरी है। जिस प्रकार की राजनीति दिल्ली से हो रही है, रोज मैं देखता हूं प्रधानमंत्री हर दूसरे दिन राजस्थान में आते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, धर्म की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, लेकिन इन 10 सालों में किसान के जो हाल हैं हम जानते हैं। ना तो किसान की आमदनी दुगनी हुई, ना रोजगार मिला, महंगाई आसमान छू रही है। इसलिए सब लोगों को आईना दिखाना, भाजपा के घमंड और अहंकार को हमको रोकना जरूरी है। और मैं तो कहता हूं कि मैं तो चाहता हूं हम सब इस चुनाव को अपना चुनाव समझकर लड़ें, और केंद्र की सरकार के 10 साल की रिपोर्ट कार्ड वो हमारे सामने है। हर जगह वादा खिलाफी हुई है, हर जगह लोगों के जज्बातों को भड़काकर वोट लिया गया है। देश का चुनाव है, अनिल चोपड़ा जी हम सबके सामूहिक उम्मीदवार हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जालसू से, आमेर से, आसपास के इलाके से, बांसूर से लेके जमरामगढ़ और हमारी फुलेरा, पूरे बेल्ट में मैं चाहता हूं सभी नौजवान, हर जाति बिरादरी के लोग सामने आए। और केंद्र की सरकार में जो बदलाव की लहर चल चुकी है, राजस्थान में सरकार हमारी नहीं बनी, लेकिन कांग्रेस आज बहुत मजबूत है, हमारे विधायक जो जीत कर गए वो बहुत मजबूत है, और इस देश में व्यवस्था को परिवर्तित करने का हमारा जो संकल्प है उसको हमें पूरा करना है। 19 तारीख बहुत दूर नहीं है, 19 तारीख को हम सबको मिलकर अनिल चोपड़ा जी को भारी बहुमत से संसद में भेजना है। आप इसको जिताकर भेजो, मैं आपको आश्वासन देता हूं ये नौजवान आपकी 24 घंटे सेवा करेगा, आपके दुख दर्द में आपका भागीदार बना रहेगा, और इस क्षेत्र में जो जो विकास आप चाहते हो, जैसे प्रशांत जी ने कहा यमुना के पानी की बात हो, उन सब मुद्दों को हम दिल्ली जयपुर में पूरा करवाएंगे। आज मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, जो लोग आज सभा में नहीं आ सके वहां तक भी संदेश लेकर जाएं, और अनिल चोपड़ा जी को भारी बहुमत देकर इस हाथ के निशान पर बटन दबाएं, ताकि नौजवानों को ताकत मिले, किसानों को ताकत मिले, और 36 कौम का एक संदेश पूरे देश में जाए कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझ कर जिस नौजवान को टिकट दिया उस टिकट पर हम जीतेंगे। पूरे प्रदेश में, मैं झुंझुनू में था, झुंझुनू में भारी बहुमत से ओला साहब चुनाव जीत रहे हैं, चूरू हम जीत रहे हैं, टोंक, अलवर, दौसा, हर जगह, बाड़मेर, जोधपुर, हर जगह भारी बहुमत से हम जीतेंगे। लेकिन जयपुर ग्रामीण क्योंकि प्रतिष्ठा की सीट है, हमारी राजधानी है, इसलिए आप सबसे निवेदन, नौजवान है, कहीं प्रचार में ऊपर नीचे भी हो रहा, आप सब उसको संभालो जो बुजुर्ग लोग हैं। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हाथ के निशान पर 19 तारीख को भारी बहुमत देकर अनिल चोपड़ा जी को संसद में भेजो, ताकि हमारी आपकी बात रह जाए और देश में संदेश जाए कि 36 को मिलकर अनिल जी को जिता रहे हैं। मैं एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं, मेरे साथ जोरदार नारा देना, हम सबको निगरानी रखनी है। 19 तारीख को भारी बहुमत के बाद वोटिंग के टाइम तक हमको जिम्मेदारी से एक एक बूथ में वोट डालना है। मेरे साथ जोरदार नारा देना कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।
कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा। प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स।